से पड़े उस फरिश्ते को खबर हो, कोई जुनून से
फरिश्ते की खबर हो, कोई कोई मशरिक़ और मग़रिब से पढ़े उस फरिश्ते की खबर हो। तवज्जो, याद रखना, जब आका की बारगाह के इस खादिम के गैब का आलम ये है, कोई दुनिया से कहीं भी आका का जिक्र करे तो आका के उस गुलाम को खबर हो जाती है। जब आका के गुलाम की ताकत का ये आलम है तो बादशाह तौहीन की ताकत का आलम क्या होगा। मसलक-ए-आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फरहान रज़ा खान साहब क़िबला उर्से मुबारक अली शाह नारे रिसालत। माशाल्लाह, वो तो ज़ालिम क्या बात कर रहा है, ये आका के इल्म ग़ैब की बात कर रहा है। अरे आका की ज़ात तो बड़ा उल बड़ा है, आका के दर के खादिम की ताकत का आलम ये है। हदीस में बात कर रही है, तुम ईरान से पढ़ो के कुरान से, तुम किसी कोने से पढ़ो के किसी एरिया से, उस फरिश्ते को खबर है। वो फरिश्ता अर्ज कर रहा है, फरिश्ते की ताकत का ये आलम तो फरिश्ते की भी इमाम की ताकत का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो ना हो आज कुछ मेरा, हो ना हो आज कुछ मेरा, जिक्र हुजूर में हुआ। दुरूद पाक पढ़ना ईमान के साथ, पढ़ना मोहब्बत के साथ, पढ़ना वाला वाला बोले। हो ना हो आज कुछ मेरा, जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों। इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ, आज राजापुर के अंदर हम आका का दूर पढ़ेंगे और मोहम्मद खजरा वाले मकी को उस दुरूद की खबर हो जाएगी। अपना भी काम हो जाएगा, अपने भी महफिल मनाने का आज हम और आप इस महफिल के अंदर और महफिल मुबारक के अंदर, महफिल मुबारक के अंदर जलवा अफरोज है। ये मंसूब एक अल्लाह के वली और अल्लाह के नेक बंदे से है, जिनका नाम गालिबन हजरत मुबारक अली शाह साहब अली भाई को मेजबान बताया गया है। अल्लाह ताला हम सब को उनके कीमती बरकात से मालामाल फरमाए और इस आबादी पर बिलखुसूस उनका फैज आम से आम पर फरमाए। मुझे आला हजरत बल्कि मैं उस नाकिया कलाम से पहले पहले अभी हम लेके आ गए यार, अब पहले मैं सुना दूं बाद में सुनाऊंगा। आला हजरत, हम करते हुए कि वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को आका तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है फैलाया, तुझे हम्द है फैलाया। तो मैं यहाँ पर अब हम्द की बात आ गई तो एक बात अभी जहन में आई तो आपको बावर कराता चलूं। मैंने बारगाहे इमाम में सवाल किया, अरे आला हजरत आप तो हम्द करने चले थे, ये तो आप रब की तारीफ और रब की सना करने चले थे, रब की तौसीफ करने चले थे, रब की बड़ाई करने चले थे, रब की हम्द करने चले थे, ये क्या कि हम्द करने चले और जिक्र मुस्तफा का कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, पहले ही मिसरे के अंदर जिक्र आका का कर रहे हैं, तेरा वही रंग है जिसने हाँ जिसने तुझको मदनी वाले आका
वही रब है जिसने तुझको अमल करम बनाया और हमें भीख मांगने थे और तेरा आस्था बताया। मैंने सवाल किया ये अलग अलग ये तो वक्त करने चले थे मकामे हम थी तारीफ तरफ की होना चाहिए तौसीफ तरफ की होना चाहिए सलाह तरफ की होना चाहिए ये क्या कर रहे थे तो इसमें अलग अलग बता रहा है तुम्हें मालूम है। मैंने रब की हम करने चला अलग अलग हलत का चला तो बोले मैं सोचने लगा रब की हम करूँ तो किस शय पे करूँ आया तो किस चीज है वो किस चीज पे बयान करूँ कि रब ने ये चीज सबसे आला बनाई इस पर बयान करूँ कि ये चीज रब ने सबसे आला बनाई इस पर बयान करूँ कि ये चीज रब ने सबसे आला बनाई। बोले सोचता गया सोचता गया सोचता गया तो मेरी बात इस बात पर मुकम्मल हुई कि खल्क से औलिया औलिया से रुसूल आला हमारा नबी। बोले सारे नबियों में अफजल अगर मैंने किसी को पाया तो आमना के लाल को पाया। बोले सारे रसूलों में अफजल अगर किसी को पाया तो वो आमना के लाल को पाया। बोले सुनो रब की तखलीक के अंदर अहमद रज़ा ने अगर सबसे आला सबसे बेहतर सबसे अफजल सबसे अफजल बल्कि सबसे तखलीक कायनात अगर किसी को पाया वो आमना के लाल को पाया। यही रब की हम जो है तो वही रब है जिसने तुझको हमारा करम बनाया। या रसूल अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा आस नारे तकबीर नारे रिसालत हसरत आला हजरत अजमत मुस्तफा अजमत मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती फारान रज़ा खान साहब कबला उर्से मुबारक अली शाह नारे तकबीर नारे रिसालत माशाल्लाह। जी मदीना तैयबा के बाद आया आका ने आकर अकरम के बुलाया मुलाकात को हाजिर था ये हफ्ता भर पहले मदीना तैयबा में तो गुफ्तगू हो रही थी कि मैंने कभी खो इसी अभी हम इसको आगे बयान करते करते आला हजरत बोले अरे ऐ सरदार की हरूम वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह खुदा के बंदे कोई आम के नहीं होंगे ना कोई जिनको आला हजरत ने आवाज दी तो कोई मुजद्दिदे अल्फे सानी होंगे है ना कहीं बारिश में पाक होंगे कहीं साबिर पाक बड़े बड़े जवाले होंगे ना। आला हजरत बोले अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो कोई मेरे दिल को ढूंढो। बोले सुनो मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ बुलाया न कोई बयान न आया न कोई गया न आया। आला हजरत ने अल्लाह के बंदों से कहा बड़े बड़े अल्लाह वाले मेरे कसम को दैन तवज्जो मदीने तैयबा में जाकर ये दैन की बात आई तो आला हजरत ने अल्लाह वालों से कहा अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ बुलाया न कोई गया न आया न कोई गया न आया। तवज्जो तवज्जो आला हजरत ने जब ये फरमाया अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो अब तो खुदा के बंदे गए और आला हजरत के दिल को ढूंढ रहे हैं कहीं शुमाल में तो कहीं जुनूब में कहीं मशरिक में तो कहीं मगरिब में अब सारे चांद की छान मार रहे हैं सब जगह देख रहे हैं कि तेरे रजा कहाँ है तेरे आला हजरत कहाँ है आला हजरत का दिल कहाँ है। सब खान दीन के देख दाँत के लौटे वो अल्लाह वाले आला हजरत से नाम तो क्या कहते हैं आला हजरत से कहते हैं हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला था मुश्किल हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला पता तो चला लेकिन तो मुश्किल मुश्किल तमाम पता चला क्या पता चला कहाँ का आला हजरत का दिल बाकी कहते हैं दरे रोज के मुकाबिल दरे रोज के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया अब आला हजरत आगे ना पूछना ये ना पूछ कैसा पाया ये ना पूछ कैसा नारे तकबीर नारे रिसालत मसलते
मतलब आला हजरत जी बरेली शरीफ में रहे लेकिन फिर उनका मदीने तैयबा में रहा करता है। और फिर क्या हर ईमान वाले का दिल मदीने तैयबा ही में रहा करता है। इसलिए कलाम के अंदर आगे इसकी और वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, दुनिया सब मदीने पहुंचे, मदीने पहुंचे, जान दिल होशो खैरत अक्ल होश सब, यानी कि जिस मुझे बताए तो मैं यहाँ देखेगा लेकिन मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं तो मदीने ही तैयबा में हूँ। सारा तो सामान बैठा था और हमारे बैठे गए थे, मैं उसे यही अतीकत आता मैंने जिनका भी गरीब हुई में दुनिया से रुखसती हुई जमाने में देखा कि ये अल्लाह वाला किस शान और शौकत के साथ जा रहा है। कुछ लोगों का कीबला जाता है, लगता है जनाजा जा रहा है, बोले तेरा नहीं खिलाफ नहीं, मैंने कहा नालिम ये तेरे पहनने की बात नहीं है, इसलिए कि गुलाब को तो मजा मसूद खाली के मजार का लगा है, गुलाब को तो मजा मसूद खाली के मजार का लगा है, गुलाब को तो मजा गरीब नवाज के मजार का लगा है, गुलाब को मजा अल्लाह वालों की चौखटों का लगा है, तो गुलाब अल्लाह वालों के पास हाजरियां देता है, गुलाब का दाराने रसूल के पास नहीं जाता है। मियाँ जिंदगी गुजारना है तो गुलाब जैसी गुजारना है ना, किसी शायर का एक शेर याद आया, सीख लो जालिम फूलों से खुद आए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं औरों को महकाना भी है। मतलब जिंदगी गुजारो तो गुलाब जैसी, इसके रसूल में खूब महको, इसके रसूल में खूब महको, लेकिन साथ में ये मिजाज बना लो कि रहेंगे तो आका के वफादारों में रहेंगे, आका के वफादारों से न हमारा कोई ताल्लुक न कोई वास्ता है, इसलिए कि हमने जितने घर में जाना हो मदीन को जवाब हमने भी देना है, मदाने मैशर में नामाए आमाल हमारे भी खुलना है, सवाल हमसे भी होना है, एक एक चीज का सवाल होगा, लेकिन मैं आज आपको बावर बनाता जाऊँ, आज आपको समझाता जाऊँ, मैं अगर अगर ये कहूँ आपसे कि मेरे बाप के दुश्मन से बचो तो आपको हथियार है कि हजरत अपनी बात में रहे हैं, मैं अगर आपके कहूँ कि मेरे दुश्मन और मुझे बुरा और भला कहने वाले से बचो आपको हथियार है हजरत अपनी बात में रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे दुश्मन नहीं नबी आखिर समाज के दुश्मन से बचना है, मैं तो ये कह रहा हूँ मदनी तालिबान के दुश्मन से बचना है, मैं तो ये कह रहा हूँ जिनका कलमा तुमने पढ़ा है जिनकी लाई हुई नमाज अदा करते हो जिनके मैं कहूँगा वो
बहुत बड़े आदमी इंसान समझता ही है कि जिम्मेदारी अगर जवान के लोग काफी होती तो समझता तो जीनी है। तलबा को सिर्फ बता रहा था कि ये दो सितारा इस किताब को हल्का मत समझना बेटा, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े आशिक रसूल और बहुत बड़े सूफी की किताब है। उनके अंदर मैं पढ़ रहा था कि तू आहम रफ्तन तुलत जाने पाक चे बढ़ता कुमुर्दन चे पर इसमें खाक दुनिया मरना तो है ना जिंदा तो हमेशा नहीं रहना ना शेख सादी आलिफ बिल्लाह किताब के अंदर चले पाक जब पाक जान मकसद का याद ही कर ले चाहे सोने के तख्त पर तुम मरो ना और चाहे आग पर मरो मिलना दो गज जमीन ही है। हाँ सोने के तख्त वाले को कुछ अजूबा नहीं मिल जाता है और आग वाले को कुछ कम नहीं मिल जाता है। मिलना दो गज जमीन है, मिलना कब ही है, लेटना आग पर है। तो जब आग पर लेटना है इसके लिए मर रहे हो, इसके लिए इसके लिए विश्वास लाई रहा है, इसी दुनिया के लिए करामात लाई रहा है। मुकदमे तो गोडा भाग रहा होगा तो कोई मुकदमे के लिए वो हमका खुद भाग रहा है इस दुनिया की राई के अंदर। आला हमें दुनिया जानते हो इतनी खबीज चीज है कि शहद दिखाए और जहर पिलाए, दिखाकर शहद जहर पिलाए। आगे फरमाते हैं कातिल ये कातिल जायान सहर दोस्त। और आगे फरमाते हैं ए मुसलमानों सुनो, इस मुर्दार दुनिया पर क्या लगाया, दुनिया देखी भाली है, दुनिया इसलिए कि मियां एक बात बता दूं फिर मैं अपनी तरफ गुफ्तगू से गुफ्तगू निकल जाती है। मैं बहुत आगे निकल गया, मैं जा किसी और तरफ रहा था लेके जाऊंगा आपको, लेकिन एक आखिरी बात ये बस बताऊं फिर लौटूं मैं। आला के फरमाते जब कब्र में जाओगे ना तो अजीज व अकारिब दहलीज से वापस आ चुके होंगे, रिश्तेदार घर से वापस आ गए, चंद दिनों के अंदर के तुम्हारा जिक्र भी घर के अंदर मिट जाएगा। हाँ ये ठीक है ना, बनाया बनने वापस फरमाया अंधेरा घर अकेली जान दम खुद का खुदा प्यारे मुसाफ आने वाली है, अपनी जिंदगी को मुसाफ न कर लो, अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर दो। जिंदगी का तुम्हारा मकसद है, जिंदगी का एक मतलब है, इसलिए कि फरमाते हैं कि कब्र में जाओगे तो आवाज लगाओगे कि साथी साथी कह के पुकारू, साथी हो तो जवाब आए, कब्र में कौन साथी है, कब्र में कौन दोस्त है, आया करो आवाज चिल्लाया करो खूब, कोई न तुम्हारी सुनने वाला है न कोई तुम्हारी आवाज बैक करने वाला है, साथी साथी कह के पुकारू, साथी हो तो जवाब आए, फिर चिल्लाकर सर दे पड़ू, चल ये मौला वाली है। लेकिन मैं आपको बताता चलू आपका एक मकसद हयात है जिंदगी में, दो टाइम का खाना एक टाइम का नाश्ता कर कर घूमे टहले और अपनी जिंदगी गुजार दी, इसलिए नहीं हमारी जिंदगी का मकसद है, मकसद हयात है जिंदगी का। आप पूछोगे क्या मकसद है, मैं कहूँगा मुझसे मत पूछो, आओ अल्लाह वालों की बारगाह में चले, आओ आला हजरत के पास चले और आला हजरत से पूछे अरे इमाम आप बताओ मकसद हयात क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है। आला हजरत बोले तुम्हें मालूम है जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना है दहन में जुबान आका तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ आका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ ऐ आका तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमने क्या मतलब बोले सुनो। हदीस कुदसी है रब इरशाद फरमाता है जिंदगी भी हमने आपका के लिए है
आगे चली गई, मैं फिर लौट रहा हूँ। मैंने कहा था आपको आगे सुनाऊंगा हमारे तवज्जो, हमारे हुजूर मालिके जन्नत है, मालिके दुनिया है, बल्कि मालिके कौनैन है। तवज्जो हमारे हुजूर का इख्तियार दुनिया कौन क्या बताएगा, हुजूर का इख्तियार तो कोई बता ही नहीं सकता कि कितना है। तवज्जो एक हदीस पाक रह गया है, कौन है हजरत रबिया बिन आप असलमी है, सहाबी रसूल फरमाते हैं तुम तो अभी तो मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं आपका की खिदमत में रहा करता जी, मैं आपका की खिदमत में रहा करता था। पानी कभी आया करता, कभी आकर फरमाते एक रोज मैं आका की बारगाह में हाजिर हुआ तो देखा कि दरियाए रहमत जोश में है। आका फरमाते हैं सल या रबिया, रबिया मांग क्या मांगता, मांग क्या मांगता है। इस हदीस को मैंने रिवायत किया मुहद्दिसीन के हवाले से, इस हदीस को मेरे आला हजरत ने फतवा रजविया जी में और नकल करने के बाद आला हजरत फरमाते हैं कीजिए आका ने सहाबी रसूल से कहा सल या रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है। लीजिए वो लोग जो कहते थे कि जो मांगना अल्लाह से मांगो, अगर नबी से मांग लिया तो मुशरिक हो जाओगे, उनका तो भले ही दब गया है। ये मुबारक है, ये आपकी बारगाह के मकबूल
जो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत शेर पेशे संगत और उनके शहजाद खान ने इस एरिया के आकर हमें तालीम करवाया है। जी जी पेश है। तो आका ने कहे रबिया मान का मांगता है। हजरत रबिया आगे आगे अच्छा मैं एक बात उन्होंने क्या मांगा वो बताने से पहले मैं आपको अगर आपको ये इजाजत मिले मांग क्या मांगती हूँ तो आपको क्या मांगूंगा दो बीघा चार आगे बढ़े बोले मुराबा आपका जैसे दुनिया में अपने साथ में आपने रखकर भया है ना आपका जन्नत में भी अपने साथ में फिर लौटे क्या फरमाया
फरमाया आका ने कि इमाम क्या मांगना तुम ने बाप अपना साथ दे दीजिए आका ने कहा और कहना था और दूसरा ये तो बताओ अब उन्हें आगे से क्या मांगना था उन्हें तो बहुत कुछ मिल गया लेकिन तवज्जो तवज्जो यहाँ पर एक कलाम कर दूँ थोड़ा सा शब्दीन है लेकिन इंशाल्लाह समझा लूंगा शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी अशरफुल लमआत की शरह मिश्कात के अंदर जहाँ इस हदीसे पाक को नकल किया है ना वो फरमाते हैं तवज्जो शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी के अज इतलाक अवरुद के सर व तस्कीस न कर वफा मैं इसको आसान समझा लूंगा हजरत शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जहाँ आकर ने देखा था सर मान कर मानता है मोहम्मद अलाउद्दीन मांग क्या मांगता अगर आप यहाँ के अंदर चार मकान हमारे लिए तुम्हें कहां से दे देते तो पता चला ये कहेंगे नहीं बताएंगे किस किस चीज का मैं मालिक हूं उस पर कहेंगे ये चीज मांग लो दे दूंगा तब जो ये मैं नहीं कहता कह रहा ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये बता रहे तब जो आका ने हजरत रबिया से जब ये कहा ना रबिया मांग क्या मांगता है तो साथ में ये भी मैसेज दे दिया ये भी पैगाम दे दिया मुझे दोनों जहान का इख्तियार मेरे रब ने दिया है रबी अगर दुनिया चाहिए तो दुनिया दी जाएगी अगर आखिरत चाहिए जो चाहिए वो दिया जाएगा इसलिए कि महबूब को रब ने मोहताज या बेबस नहीं बनाकर भेजा बल्कि मालिक के कायल आपने यही क्यों मांग लिया आप बहुत कुछ मांग सकते थे हजरत सहाबी अजमीर की करम ने जवाब दिया कि सुनो असल में इसको समझना है इस वक्त मोहब्बत को तुम्हें हाजरी हजरत महमूद और हजरत आयास के दरबार में मांगना पड़ेगी अब आपको ये क्या क्या बुला हूँ हजरत महमूद ये बादशाह है हजरत आयास महबूब उनके खादिम तवज्जो एक रोज दरबार लगा था दरबार लगा था आम दरबार लगा था सब मौजूद गुजरा मौजूद तमाम सिपह सालार दीगर मुंतजमीन मौजूद हजरत महबूब ने कहा अय आयाज ये तो हुकूमती खजाने हैं ना इनमें से जिस चीज को ऊपर तू हाथ रख दे वो सारा खजाना तेरा अरे लीजिए सारे गुजरा तो यहाँ की पटी रहे आज तो सोने की बोलियां गई कोई बोला आज तो चांदी गई इंसानी कहा करते हुए कोई बोला आज तो सारे गुजरात गए जवाहरात कहा करते हैं तो आयाज है ना उनकी ही चाल चलते हैं दीवान वाले इश्क आंखों को बंद करते हैं दीवार के लिए और बताते हो वो होशियार हो पाँव पाँव हो जाएगी सोने पर हाथ रखो वो तुम्हारा चांदी पर हाथ रखो तुम्हारी चंदनों पे हाथ रखो तुम्हारी जवाहरात पर हाथ रखो तुम्हारी हजरत आयाज आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े सोने से आगे निकल गए चांदी से आगे निकल गए जवाहरात से आगे निकल गए एक कदम सीढ़ी पे रखा और उसके बाद हजरत महमूद के सर पर हाथ रख दिया हजरत महमूद के सर पे हाथ रख दिया अरे ये क्या किया सोना छोड़ दिया सारा सारे सारे छोड़ दिए बादशाह का हजरत महमूद के सर पर हाथ रख दिया हजरत आयाज अगर तुम भी होते तो तुम्हें क्या पता जब मुझे इजाजत मिली तो जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो चीज मेरी है मैंने सोचा सोना पकड़ता हूँ
पकड़ता हूँ तो लवार आ जाती है, दो पकड़ता हूँ तो अशोक ले जाती है, एक पकड़ता हूँ एक जाना है। मेरे इश्क ने ये फैसला किया, हजरत महमूद के सर पर हाथ रख दो। महमूद मेरे तो सोना मेरा है, महमूद मेरे तो चांदी मेरी है, महमूद मेरे तो लवार आप मेरे है, महमूद मेरे तो कुल खजाना मेरा, बल्कि महमूद मेरे तो सारी सल्तनत मेरी है। मैंने
मातृ मिलन की दुआ तुम्हें एक जो दुआ जो हर दुआ के अंदर दिल इख्तियार करके करिए तकरार के साथ सुनी वो मातृ मिलन की दुआ शुरू करते थे अपनी दुआ के आखिर में कि मदीना जाए फिर मदीने ही आए फिर मदीना शरीफ जाए मौला जिंदगी इसी में तमाम ये दुआ शुरू करते थे ये करते एक ये शेर शुरू करते थे कि खाते या इलाही दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है वो मदीना तैयबा मदीना तैयबा के फजाइल बताएं कि मैं तो उसूल पे जाऊँ जब आप तफसील चली जाएगी मैं फिर लौट रहा हूँ लाखों के साथ और लाखों फरिश्तों के साथ आका को बेदार कैसे किया जाए आका आराम फरमा है आका को जगाया कैसे जाए फरिश्तों के अंदर हजरत जिब्रील अमीन मशवरा कर रहे हैं आका आराम फरमा है आका को बेदार कैसे किया जाए दुनिया का ताजदार कौन है हुआ है आराम फरमाया हुआ है इसको बेदार क्या कैसे किया जाए आखिर के अंदर मशवरा इस बात पर तय होता है कि हजरत जिब्रील अमीन बोले मैं अपने होठों और अपनी आंखों को आका के तलवों पर लगाऊंगा और आका इससे बेदार हो जाएंगे हजरत जिब्रील अमीन आका के तलवों पर अपनी आंखों को रगड़ रहे थे आला हजरत बोले ताजे रूहों कुदस के मोती जिसे सजदा करे रखती है अपनी पेशानी को रंग दिया है लेकिन हकीकत में लोगों ने जो बातें को दे रहे थे उन्होंने इस बात को समझा कि सुनो हजरत जिब्रील अमीन ने मैसेज दे दिया है कि जिब्रील की जहां इंतहा होती है मदीने वाले आका की वहां से इंतहा वहां से शुरुआत हुआ करती है आका सारे रास्ते जानते थे आका नाम का हाँ एक जगह आई ना सिद्दतुल मुंतहा वहां तो जिब्रील अमीन भी वापस आ गए ना वहां से तो जिब्रील अमीन वापस आ गए आगे आका नाम का कोई भी तो आप अगर ये समझो जिब्रील अमीन रास्ता दिखाने के लिए गए थे आका के साथ में तो ऐसा नहीं है बात ये है कि मेहमानी के कुछ उसूल होते हैं मेहमानी के कुछ जाब्ते होते हैं मेहमान नवाजी के कुछ तरीके होते हैं बिला तजवीज़ बिला तमसील अभी मैं आया आने के बाद हमारे वो हाँ मौलाना साहब के चला गया वहाँ नाश्ता पानी होने लगा वहाँ से यहाँ तक आने का रास्ता मुझे पता चला मैं देने आया था लेकिन मेहमानी का उसूल ये कि दस बारह तजवीज़ को लेने गए तवज्जो समझ में आया कुछ कनेक्ट हुआ आका सारे रास्ते जानते थे लेकिन जिब्रील अमीन उनके साथ लाखों फरिश्तों को भेजकर और फरिश्तों में भी जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार है सरदारुल मलाइका है रब की रहमतों ने कहा ऐ जिब्रील महबूब को लाना है तो कोई आम फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों का सरदार जाएगा और सुनो बहुत तारुफ कराया होगा तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम आका तेरा मदार खान
जब मूसा अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी का आलम ये है
भी हो जाए, न जाने कितना वक्त गुजर जाए, लेकिन कब्र में अपनी हर रोज की नमाज पढ़ रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आलम ये है तो मूसा अलैहिस्सलाम के भी इमाम इमामुल अंबिया इमामुल रुसुल ताजदारे मदीना ताजदारे मक्का मुकर्रमा ताजदारे दो यहां हमारे आका की जिंदगी का आलम क्या होगा। सबको आला हजरत ने कहा है मेरे चश्मे आलम को आगे बढ़ने आका फरमाया के पास मूसा है अला कब्रे मूसा वो हुआ कायमा युसल्ली वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। एक बात बताओ मैं सवाल आपसे करूं, अभी आप भी कितनी कब्रों के देखते हुए जाते होंगे आपकी नजर देख पाती है कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है, कब्र के अंदर क्या हो रहा है आपकी नजर देख पाती है।